कृषि मंत्री कमल पटेल ने गांधी की यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ रहता है। किसान नेता और कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ रहा है, अब कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। पटेल ने कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किया था। भारत जोड़ो यात्रा जब खरगोन पहुंची और वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है। और भारत विरोधी नारे लगाने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद करने वालों का साथ देने वाली यात्रा है। अब इससे स्पष्ट हो गया है कि देश के गद्दार, देशद्रोही और पाकिस्तान समर्थक ही कांग्रेस के साथ रहे हैं। और इसलिए देशभक्तों, जागो और कांग्रेस को पहचानो। ये कांग्रेस ने देश के पहले भी दो टुकड़े कराए थे भारत माता के। जब भारत आजाद हुआ उस समय पाकिस्तान बनाने का काम नेहरू जी ने किया था, सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि जिन्ना भी चाहता था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। और इसलिए दोनों ने बांट लिया हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो भारत के दो टुकड़े कराए। फिर कश्मीर को तुष्टिकरण की नीति अपना के अनुच्छेद 370 की छूट देकर कश्मीर को अलग करने का काम किया। अलगाववाद, आतंकवाद, टुकड़ा टुकड़ा गैंग कन्हैया इनके साथ चल रहा है। वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इनके समर्थक लगा रहे हैं, इनके साथ चलने वाले। इससे स्पष्ट है कि अब कांग्रेस देश को तोड़ने का जो उत्सुक प्रयास करती रही है उसमें सफल नहीं हुई है, और इसलिए देश को तोड़ने वाले का साथ दे रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।